150 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। आपको बता दें कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब अस्पताल की ओपीडी की फॉल सीलिंग अचानक से भरभराकर गिर गई। इस दौरान कोई भी जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल के निर्माण की गुणवत्ता की पोल खोल एक बार फिर खुल गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक आज तड़के तकरीबन 4 बजे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ओपीडी की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर गिर गई। इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि यह घटना आज सुबह 9 बजे के बाद अगर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इस दौरान ओपीडी में मरीज और उनके परिजनों की भारी भीड़ एकत्रित रहती है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो सकते थे, लेकिन तड़के हुए इस घटनाक्रम के दौरान यहाँ कोई मौजूद नहीं था। इससे अस्पताल प्रबंधन की लचर व्यवस्था कहें या फिर अस्पताल का निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण जब से हुआ है तब से कई बार फॉल सीलिंग धराशायी हो चुकी है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन नाकामी छुपाने के लिए कुछ ना कुछ नए बहाने लेकर सामने आ जाता है। जिस प्रकार से ये फॉल सीलिंग गिरी हुई है नजर आ रही है, उसे देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना अगर ओपीडी खुले होने के दौरान होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, ये ओपीडी के विंग में फॉल सीलिंग पुनः वापस से काफी बड़े स्केल पर गिर गई है, और ईश्वर का धन्यवाद दे देंगे हम कि उस समय बिजी शेड्यूल नहीं था उस दौरान जब वो गिरी हैगी। और ये इसकी जो निर्माण एजेंसी जिनके सुपरविजन में ये कार्य हुआ था वो HSCC थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया था। तो हम लोगों ने उनको कई बार पूर्व में भी नोटिस दिया है, और उनका कहना है कि कुछ जो बेसिक फॉल्ट है उसको उन लोग रिपेयर कर रहेंगे, और इसमें भी वो जो है रिपेयर करके फिर पुनः वैसी ही बना देंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। कई बार घटना हो चुकी है फॉल सीलिंग गिरने की, सिफारिश कर चुकी है, तो क्या कुछ गुणवत्ता का मामला है, गुणवत्ता विहीन कुछ ऐसा निर्माण हुआ? कुछ पहले इस पर ये बात हुई थी, कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये गिर जाती है।